हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्वाति। मेरे चलन पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, मैं फिर से एक नई रेसिपी लेके आ चुकी हूँ। सिर्फ आलू और सूजी से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी भी ये नाश्ता बन जाता है दोस्तों। और इसका खास बात है, ये सिर्फ 2 चम्मच ऑयल से बनकर रेडी हो जाता है। तो चलिए अभी हम वीडियो को देख लेते हैं। तो देखिए, पहले हम एक पैन चढ़ा लिए हैं गैस में। तो पैन हमारा गर्म हो चुका है। 1 गिलास पानी डाल देते हैं और स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। 1 चम्मच साबुत जीरा को डाल देते हैं। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। और देखिए, थोड़ा सा धनिया पत्ता को इस तरह बारीक कट कर रखे थे उसको भी डाल देते हैं। और एक आलू को इस तरह ग्रेट करके धोकर अच्छी तरह रखे थे दोस्तों, इसको भी हम पानी में डाल देते हैं और अच्छी तरह मिला लेते हैं। पानी में उबाल आने तक हम इसी तरह छोड़ देते हैं। तो देखिए, पानी में उबाल आ चुका है। अभी थोड़ा थोड़ा हम सूजी डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। ये 1 कप सूजी है दोस्तों, ज्यादा नहीं है। इसको छोड़ना नहीं है दोस्तों, इस तरह हम मिलाते जाएंगे। ये बहुत जल्दी पानी को सोख लेता है सूजी, ये सूजी है ना, इसीलिए। तो देखिए, बहुत ही जल्दी हमारा डो बन गया है। तो अभी इसको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी में आज मैं नाश्ता को सेट कर रही हूँ। ये प्लास्टिक का ट्रे है, तो आप लोग के पास केक टिन है तो उसी में भी सेट कर सकते हो। तो इसमें मैं अच्छी तरह ऑयल लगा लिया हूँ पहले। तो अभी हम नाश्ता को इसी में डाल देते हैं। तो देखिए, सभी को हम इसी में डाल दिए हैं। अभी हल्का हल्का हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा के इस तरह दबा दबा के सेट कर लेते हैं। अभी ये गर्म है दोस्तों, सावधानी से करना। तो देखिए, ऊपर से हम अच्छी तरह चिकना कर लिए हैं और थोड़ा सा इसको छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तो हमारा नाश्ता अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, एक थाली लेंगे दोस्तों। थाली को इस तरह हम पलटा लेते हैं और थाली के ऊपर में 1 चम्मच ऑयल डाल देते हैं और थोड़ा सा अच्छी तरह हम ऑयल को इस तरह लगा लेते हैं। देखिए, ऑयल हम थाली में अच्छी तरह लगा लिए हैं। अभी नाश्ता को इसी तरह हम पलटा लेते हैं थाली के ऊपर में। तो देखिए, ये बहुत ही इजीली निकल जाता है दोस्तों। देखिए कितना सुंदर सेट हुआ है हमारा नाश्ता, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो अभी क्या करेंगे, हम इसमें कट लगाएंगे। तो कट लगाने से पहले हम चाकू को भी थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेते हैं, क्योंकि ये सूजी चिपक सकता है दोस्तों। तो देखिए, इस तरह मैं कट लगा रही हूँ पहले। तो देखिए, इस तरह मैं कट लगा लिया हूँ। अभी हम बर्फी का शेप में कट लगाएंगे। आप लोग को जो शेप है दोस्तों, उसी तरह आप कट लगा सकते हो। तो आज मैं बर्फी का शेप में कट लगा रही हूँ। तो देखिए, हमारा कट रेडी हो गया है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है नाश्ता, बहुत ही प्यारा। तो अभी चलिए दोस्तों, इसको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए पैन हमारा गर्म हो चुका है। सिर्फ 2 चम्मच ऑयल लिए हैं दोस्तों, इसको डाल देते हैं। अभी ऑयल गर्म हो गया है, अभी एक एक करके हम पैन में नाश्ता को डालते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, नीचे तरफ थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। तो अभी हम इसी तरह पलटा लेते हैं हल्का हाथों से, 1 चम्मच के सहायता से। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह हम उलट पलट करते जाएंगे और नाश्ता को क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, आप लोग को मेरे रेसिपी कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना दोस्तों। तो देखिए, बातों में हमारा ये नाश्ता फ्राई हो गया है। अभी हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए कितना प्यारा दिख रहा है, बहुत अच्छा कलर आया है दोस्तों। तो अभी इसमें हम निकाल लेते हैं। तो बच्चा नाश्ता को भी दोस्तों इसी तरह हम फ्राई कर लेते हैं। इसमें और तेल नहीं डाले हैं दोस्तों, जो बचा था तेल उसी में इस नाश्ता को भी मैं फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए, ये नाश्ता भी हमारा फ्राई हो गया है। तो इसको भी अभी हम निकाल लेते हैं। तो सूजी और कच्चे आलू की हमारा नाश्ता रेडी हो गया है दोस्तों। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप लोग इस तरह नाश्ता कभी नहीं खाए होंगे दोस्तों, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप लोग एक बार जरूर बनाएं और मेरे को कमेंट में बताइए आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ। आज के लिए बाय बाय।